तो दोस्तों, जैसा कि आप अभी यहां पे इस चैनल को देख पा रहे हैं जिसका नाम है सक्सेस फिक्स टू व्लॉग्स। अब दोस्तों, ये जो चैनल है इस पे 10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और देख सकते हैं कि $4 बन भी चुका है। ये तो 28 दिन का है, अगर मैं टोटल करूंगा तो टोटल $14 इस चैनल पे बन चुके हैं। व्यूज़ की बात करें तो लाखों में व्यूज़ आ चुके हैं, वॉच टाइम भी आ चुका है, सब्सक्राइबर भी आप देख सकते हैं कि 10,000 से ज़्यादा हो चुका है। अब दोस्तों, ये जो है ये राहुल कुमार जी हैं जो यहाँ पे आरा मीटअप में हमसे मिलने आए थे और इन्होंने बहुत ही यूनिक तरीके से अपने चैनल को जो है यहाँ पे मोनेटाइज कराया है। अभी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इन्होंने मोनेटाइज कराया, क्या दिमाग लगाया जिससे कि कम से कम टाइम में इनका चैनल मोनेटाइज हुआ। कितने दिन में मोनेटाइज हुआ है बताइए? मात्र मेरा 2 मंथ में हो गया था। 2 मंथ में इन्होंने चैनल मोनेटाइज करा लिया, $14 बना भी लिया, पिन भी लगभग आ ही गया है और तुरंत इनका पैसा आने वाला है। लेकिन मैंने इनको कुछ सलाह दिया कि देखिए, कभी भी टेढ़ा तरीका से काम करिएगा तो आगे जाके फंस जाइएगा। मोनेटाइज तो चैनल इन्होंने आसानी से करा लिया 2 महीने में, लेकिन यहाँ पे अभी आप ये जो है आगे आके फंस चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि येल्लो डॉलर भी इनके कोई वीडियो पे आ रहा है और काफ़ी सारी इनकी जो वीडियोज़ हैं वो वीडियोज़ इन्होंने किस तरीके से अपलोड की हैं और किस तरीके से चैनल मोनेटाइज हुआ ये खुद से ही बताएंगे। तो बताइए, पहले मैं खान सर का आवाज़ का स्टेटस बनाता हूँ। बनाने के बाद मेरा जो 4,000 वॉच टाइम और 9,000 मेरा सब्सक्राइबर पूरा था तो मैं चैनल अपना मोनेटाइज अप्लाई करने के लिए भेजा था, तो मेरा यूट्यूब ने चैनल को रिव्यू में डाल दिया। रिव्यू में डालने के बाद ईमेल किया था कि अपना खुद का कंटेंट और फेस लाओ, तो मैं उस पर ब्लॉग के तरिया अपना फेस दिखाकर 10 या 12 वीडियो अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद 10 दिन बाद मैं देखा तो रिव्यू में डाला था, तो मैं उसको फिर से अप्लाई किया तो मेरा चैनल का फाइनली मोनेटाइज में ले लिया और हर वीडियो का मेरा हरा टाइप का मोनेटाइज ऑन करने का ऑप्शन भी दे दिया। हाँ, वो डॉलर वाला दे दिया, डॉलर वाला। अब उसी दिन से मैं अपने इस चैनल पर ब्लॉग के जरिए काम कर रहा हूँ। अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो 300-400 व्यूज चला जा रहा है, अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा है तो नहीं जा पा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि कहाँ तक मतलब पढ़ाई अभी कहाँ तक कर रहे हैं? BA Part 1 में हूँ, जो साइंस ले इंटर कर चुका हूँ। और ये जो स्टेटस आप डाले थे जिससे आपका कितना व्यू गया था उस पर? स्टेटस मैं डाला था तो मेरा हर वीडियो पर 8-8 लाख व्यू चला गया। मतलब एक एक वीडियो पे 8-8 लाख व्यू जाता था, जाता और जिसमें आपका कुछ नहीं था, ना ही वॉइस था, ना ही कुछ, बस एडिटिंग करके तो उसमें आपको कॉपीराइट का प्रॉब्लम नहीं आता? कुछ नहीं, एक भी नहीं आया था। मात्र 10 मिनट में 10,000 वीडियो एक वीडियो पर वायरल इतना तेजी से होता था। जिस दिन मेरे चैनल को मोनेटाइज रिजेक्ट किया उसी दिन मैं दुखी हो करके, जब मेरा मोनेटाइज हो गया तो मेरा एक फ्रेंड है जो सिवान जिला का रहने वाला है, 3 लाख सब्सक्राइबर है, वो फोन किया कि मैं मोनेटाइज अपना खुद का वीडियो डाल रहा हूँ तो खान सर का वीडियो भी डिलीट नहीं किया था, बट वो फोन किया कि राहुल भाई गलत से काजन मोनेटाइज कर दिया होगा, वीडियो धीरे धीरे डिलीट कर दो। तो मैं 22 या 23 वीडियो डिलीट भी कर दिया हूँ और मात्र अभी खान सर का 2 वीडियो रखा हूँ जो वीडियो पर 7 लाख व्यू गया है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि ऐसे तो लोग एडिटिंग करते हैं, दूसरे का वीडियो डालते हैं, उनको कॉपीराइट आ जाता है, आप किस तरीके से एडिट करते थे कि आपको कॉपीराइट नहीं आता था? मैं यूट्यूब से खान सर का या इंस्टाग्राम से वॉइस डाउनलोड करता था और फोटो खान सर के डाउनलोड करके रिमूव बीजी से बैकग्राउंड हटा करके काइन मास्टर में अपने से खुद से एडिटिंग करके वीडियो अपलोड मतलब करता था। मतलब आप आवाज कहीं और से लेते थे? हाँ। और वीडियो कहीं और से लेते थे? हाँ। अलग अलग जगह से वीडियो लेके अलग अलग जगह से आवाज लगा के सबको मिक्स करके बना देते थे। हाँ। इसलिए आपको कॉपीराइट का प्रॉब्लम नहीं आया। हाँ। लेकिन जब आपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया तो आप फंस गए, ठीक है, लेकिन फिर आप जब वीडियो डिलीट किए तो डिलीट करके वापस से अप्लाई किए तो आपका मोनेटाइज फिर कैसे हो गया? डिलीट नहीं किए थे, डिलीट मेरा टोटली वीडियो था। मोनेटाइज होने के बाद मात्र 4 दिन हुआ है इस घड़ी में वीडियो डिलीट किया हूँ। अच्छा दोस्तों, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका चैनल मोनेटाइज होने का मेन रीज़न क्या है। मैंने इनका चैनल काफ़ी अच्छे तरीके से देखा। कभी भी जब हम YouTube का वीडियो उठाते हैं या YouTube से वीडियो लेके हम जो है अपने वीडियो में लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि YouTube की वॉइस होती है, YouTube का वीडियो होता है, जिसके कारण हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होता। लेकिन काफ़ी सारे आपने ऐसे वीडियोज़ देखे होंगे जो कि ऑडियो कहीं और से लेते हैं, फेसबुक से या इंस्टाग्राम से, या फिर वीडियो को कहीं और से लेते हैं और खुद की ऑडियो बनाते हैं।
तो उसमें क्या होता है कि YouTube का जो एल्गोरिथम है, YouTube का जो सिस्टम है, वो Instagram और Facebook अलग अलग जगहों का जो ऑडियो होता है, वीडियो होता है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, नहीं पकड़ पाता है, जिसके कारण चैनल मोनेटाइज हो जाता है। और जब आपका YouTube रिव्यू में जाता है चैनल, तो वहाँ पे किस तरीके से चेक किया जाता है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे एक टूल होता है जिस टूल में आपके चैनल का लिंक डाला जाता है, और वहाँ पे वो टूल बताता है कि आपका कितना परसेंट कॉपीराइटेड वीडियो है, कितना परसेंट रियूज कंटेंट है, कितना परसेंट नॉर्मल कंटेंट है, वो टूल के द्वारा ही बताया जाता है। अब यहाँ पे जब यूट्यूब है तो आपकी एक एक वीडियो देख के तो चैनल को मोनेटाइज करेगा नहीं, जाहिर सी बात है, वो टूल के थ्रू ही करेगा। तो इनका जब टूल में डाला गया चैनल को, तो इनका जो है सो चैनल नहीं पकड़ा पाया, क्योंकि इन्होंने इंस्टाग्राम से इधर उधर से जो है सो ऑडियो लिया था और अलग अलग जगहों से फ़ोटो लिया था, इसलिए इनका चैनल मोनेटाइज हो गया। लेकिन मैं आप सबसे यही कहूँगा कि कभी भी ऐसा ना करें, ठीक है? ऐसा अगर आप करते हैं तो आप आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि अभी ये खुद का वीडियो डालते हैं तो इनके वीडियो पे व्यूज़ नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? कि क्योंकि इन्होंने दूसरे का नाम यूज़ किया, दूसरे का चेहरा यूज़ किया। जैसे खान सर काफ़ी फेमस हैं तो उनके चेहरे को यूज़ किया, उनके ऑडियो को यूज़ किया, तो काफ़ी लोग उनको पसंद करते, तो वो वीडियो चल गई, चैनल भी मोनेटाइज हो गया। लेकिन इससे आपकी कोई पहचान नहीं बनी और आप लॉन्ग टर्म तक इससे पैसे नहीं कमा सकते हैं। तो इनको मैंने यही समझाया कि अब आप खुद की पहचान बनाइए, खुद से अच्छे तरीके से वीडियो बनाइए ताकि आपकी पहचान बने और आपको 10 लोग जाने और आप लाइफ में सक्सेसफुल हो। तो आप क्या समझे इससे राहुल जी, बताइए। सर, आपसे मैं मिलकर बहुत कुछ सीखा हूँ और अपना गुरु भी मान चुका हूँ आप उसे। आप बहुत नेक के दिल के सच्चे हैं जो मेरे इतना काफ़ी यूट्यूबर लोगों का आप समय दे रहे हैं, छोटे छोटे क्रिएटर से आप मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो हरदम कोई भी क्रिएटर ऐसा नहीं होता है, बहुत लोग मैं समझ रहा हूँ, वो तो मैं समझ रहा हूँ। और आपसे भी मिल के बहुत अच्छा लगा, आप लोगों का ही प्यार है, ठीक है? और मेरा तो सपोर्ट आप सबके साथ ही है, लेकिन मेरा यही सजेशन है कि आप खुद से काम कीजिए, खुद का पहचान बनाइए। और ऑडियंस से भी यही कहना है कि कॉपीराइटेड वीडियो इधर उधर की ज़्यादा यूज ना करें, ठीक है? ऐसा काम करें जिससे आपकी पहचान भी बने, आप पैसा भी कमाएं, वो आपका लॉन्ग टर्म रहेगा, वो आपके ज़्यादातर दिन तक वो कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा राहुल भाई आपसे मिलके, और इसी तरीके से चैनल पे काम करते रहिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इनके चैनल का, एक बार चेक कीजिएगा और इनको सपोर्ट भी कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।